दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। आपको मैंने जो सुबह की वीडियो में भी बताया था, इसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 75 जिलों में यहाँ पर जो स्केलर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। अगर आपने 12th पास कर रखा, अच्छी वैकेंसी है, 20,000 के आसपास इसमें सैलरी आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। और आपको घर के घर में नौकरी मिलेगी। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो उसी के बारे में, और इसमें ऑलरेडी भर्ती लड़के हो चुके हैं, लड़कों को सैलरी मिल रही 20,000 के आसपास यहाँ पर जो इसमें, और यहाँ पर जो है इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे तो 14 सितंबर 2024 की लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो है, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 28 अगस्त 2024 का, अभी तो ये 4-5 दिन पहले का नोटिस है, ये कंपनी के द्वारा जो है भर्ती हुई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ नए आउटसोर्सिंग स्केलर की आपूर्ति है ना, कि संबंध में आपूर्ति मतलब जब स्केलर की भर्ती हो चुकी है तो स्केलर का जो है काम वगैरह मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ काम क्या रहता है, आप देख लीजिए। उसमें जो है कैरियर प्लस लिख के जो है आप डाल दीजिए, स्केलर वाली वैकेंसी तुरंत खुल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 100 आउटसोर्सिंग स्केलर के है ना को आप द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था, मतलब इसमें जो है 100 स्केलर की भर्ती इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो सीटें खाली रह गई हैं, 25 सीटें इसमें खाली रह चुकी हैं और ये वैकेंसी फिर निकाली गई यहाँ पर जो है ये, भाई यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो है ये, यहाँ पे जो है ये 25% सीटें यहाँ पे जो अभी खाली हो चुकी हैं, तो इसमें दोबारा से भर्ती होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ नए जो हैं आउटसोर्सिंग इस कलर की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नए जो है ये आपके इस कलर की भर्ती होगी, 25 यहाँ पे जो है नए आउटसोर्सिंग इस कलर की भर्ती यहाँ पे जो है इसमें होगी, ठीक है। तो ये इसमें आप पे देख लीजिएगा भर्ती कहाँ कहाँ से निकाली जाएगी, ये देख लीजिए, इसमें सभी जनपद के नाम दिया हुआ, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है आपका। जो बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इसके बाद बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, इसके बाद यहाँ पर जो है अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, शामली और संभल। अगर आप इन जनपदों से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इसके अंदर फॉर्म डाल दीजिएगा। आपके घर के घर में नौकरी मिल रही है, 12th पास है, ना ट्रिपल सी ना कुछ है, इसमें जो है अच्छा वैकेंसी है। ये फॉर्म मैंने आपको सुबह बताया। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी यहाँ 19,900 रुपये सैलरी, मतलब 20,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करेंगे, 21 से 30 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, 5 साल छूट रहती है। प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर जो है, ये पुरुष वर्ग के लिए बोला गया, अपेक्षित वर्ग जो है पुरुष, महिलाएं इसमें ऑलरेडी जो है इसमें हो चुकी थी ज्वाइन, जो है इसमें ऑलरेडी महिलाएं ज्वाइन हो चुकी थी यहाँ पर जो है ये, इसलिए यहाँ पर जो है बताया गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है, इसमें जो है आपके पुरुष वर्ग में यहाँ पर जो है ये वैकेंसी आप डाल पाएंगे। पुरुष अगर पुरुष हैं तभी डालिएगा, अन्यथा मत डालिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ेगा। वैसे निःशुल्क डाल दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार तो लड़कियाँ भी लग गई थी यहाँ पर जो है। ये फॉर्म भरना कैसा आप सभी जानते हैं, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। वैकेंसी अभी चल रही है एडेड कॉलेज के अंतर्गत, यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो चपरासी, चौकीदार, रसोईया, एक रसोईया तो खैर बहुत कम रहते हैं, और चपरासी, चौकीदार और प्योन है ना, ये सब जो प्योन हैं आपका, जो चपरासी है और आपका जो सिक्योरिटी गार्ड वाले, वैकेंसी चल रही है यहाँ पर 67 वैकेंसी है, 12th पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो है। ये सैलरी की बात करेंगे, सैलरी यहाँ पे 11,000 इसमें सैलरी मिलती है, लड़के लगे हुए यहाँ पे, बनारस से भर्ती आ चुकी है यहाँ पर जो है ये, 18 से 40 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर दीजिएगा यहाँ पर जो है ये। महिला तो पुरुष के साथ साथ यहाँ देख लीजिए सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी जो हों तुरंत भर दीजिएगा। और ये वैकेंसीज हो रही कहाँ हो रही हैं, आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत यहाँ वैकेंसी निकाली गई यहाँ पर जो है। उसी ऊपर की वैकेंसी थी ये, आपके सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं आप लोग जो है। और ये आपकी चपरासी की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, 104 पदों पर डेट चल रही है। फॉर्म भरने का तरीका आप सभी जानते हैं, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाकर पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, उसके बाद ये आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ होती हैं यहाँ पर जो है, उसके बाद ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं। गाजीपुर से भी वैकेंसी चल रही है, गाजीपुर से भी भर्ती चल रही है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। 12th पास मैंने आपको बता दिया, जो आपकी जो 75 जिलों में जनपद में भर्ती आई थी वो वही वाली इसके लड़की की थी। बात करेंगे, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भर्ती निकाली गई यहाँ पर 10th और 12th वाली, वो भर्ती कहाँ से निकाली गई वो देख लीजिए, जो दिखाता हूँ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से 1 से 1.5 लाख लोगों को नौकरियाँ भी मिल चुकी हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका जो है ये अनस्किल्ड
और इसमें जो है सेमी स्किल्ड है, ये टेंथ पास अगर आपने कर रखा है, ट्वेल्थ पास कर रखा है तो इसके अंदर फॉर्म भर दीजिए। ये वैकेंसी निकाला गया आपका कृषि महाविद्यालय है ना, कॉलेज ऑफ कृषि, और ये कहाँ से निकाला गया, ये वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे जो है कृषि विश्वविद्यालय मैंने लिखा है, यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मैंने लिखा था थंबनेल में यूनिवर्सिटी में टेंथ और ट्वेल्थ की भर्ती, देख लीजिए ये आपकी यूनिवर्सिटी है, नीचे आएंगे और नीचे ये वैकेंसी चल रही है आपके जो है टेंथ और ट्वेल्थ की, जो दिखाता हूँ प्रोफेसर दिखाता हूँ। और ये वैकेंसी जो निकाला गया है कहाँ से निकाला गया, अरुणाचल प्रदेश से, अगर जहाँ भी नौकरी मिले तुरंत पकड़ लीजिएगा, सैलरी वगैरह सब शो कर रखा है यहाँ पर जो ये, और यहाँ इंटरव्यू को बेस पर सिलेक्शन कराया जाएगा और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, इसमें संपर्क कर सकते हैं, इंटरव्यू कौन लेगा कौन नहीं लेगा पूरा ब्यौरा यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा इसके अंदर। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन फॉर्म ये पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा, इसमें कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ये सब कुछ लिख सकते हैं, इसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा ये वैकेंसी, और नीचे साइन कर दीजिए यहाँ पर डिक्लेरेशन में, और ये साइन करके यहाँ पर जो है ये और प्लेस और नेम डेट डाल दीजिए। वैकेंसी देख लीजिए किसी आपको निकाला गया यहाँ पर जो है ये रोजगार सेवक का वैकेंसी, यहाँ पर लिखा हुआ ग्राम रोजगार सेवक, ये पढ़ लीजिएगा, आपसे हिंदी पढ़ना आती होगी तो 327 पदों पर ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती निकल चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए सैलरी वगैरह इसमें आपको इतना मिलेगा, और ऑफिशियल वेबसाइट ये रखी है, और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा यहाँ पर जो है स्टोर कीपर की, मैंने आपको बताया था स्टोर कीपर का वैकेंसी आया हुआ है, और नीचे आएंगे नीचे आपका एमटीएस का वैकेंसी निकाला गया है, तो वैकेंसी 100% निकाला गया, ये जो है ये आपका कहीं से भी निकलती है, मैं इस पर जो पैन नज़र रखता हूँ, पूरी इंडिया में जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी उस भर्तियों पर पैन ही नज़र रखता हूँ मैं, कोई भर्ती छूट ना जाए, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो निकाला गया है इसमें देख लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर जो टेंथ क्लास पास होना चाहिए, और नीचे आएंगे एमटीएस के लिए भी यहाँ पर टेंथ क्लास पास इसमें होना चाहिए, यहाँ पर जो है वैकेंसी जो निकाला गया स्टोर कीपर, और ये जो है ये आपका जो है ये भारतीय जल प्राधिकरण के अंतर्गत यहाँ पर जो है वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट यहाँ पर जो है 21 सितंबर 2024 है, ठीक है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा, अच्छा वैकेंसी, बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर जो है ये। बहुत सकेंगे भैया ये बताओ फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म जो इस वाली साइट पर जाना है, इस वाली साइट पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये जिला कोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है ना, जिला कोर्ट के अंतर्गत है परिचारक की है, देख लीजिए यहाँ पे जिला कोर्ट के अंतर्गत भर्ती 13,000 रुपये मिलेंगे, 19,000 रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये सैलरी देंगे, और पदों की संख्या दे रखी 3-1-1 जो ये मैं देखिएगा 3-1-1 है। वैकेंसी जो निकाला गया ये देख लीजिए यहाँ पर जो है नालंदा बिहार शरीफ से निकाला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नौकरी कहीं भी लगे पूरी इंडिया में तुरंत पकड़ दीजिएगा, ठीक है। उसने बोला है कि 15 दिन का समय मांगा गया, ये वैकेंसी 3 सितंबर दिन आपको निकाला गया है, 15 दिन निकाल दीजिए, 15 दिन आपको नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे ये वाला फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म ये वाला आपको भर के जो है ये आपको जमा कर देना है, ये देख लीजिए कोर्ट के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है, संविदा की नौकरी है, सैलरी बढ़िया है ये। बहुत अगर फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म इस वाली साइड पर जाना है, यहाँ पर जाकर फॉर्म भर दीजिएगा यहाँ पर जो है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के लिए प्लस, थैंक यू वेरी मच।